हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल माई यूट्यूबी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो था आपका टाइप नंबर फोर दैट इज ए इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस डी कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू एंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी और इंटू डी बाईस बी इंटू डिनोमिनेटर गाइस ध्यान देना ये जो आपका टाइप नंबर फाइव आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बोलो क्या लिखे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटूरेड बाई सी इंटूरे मतलब ये बोलो कौन सा वाला बंदा है बोलो आपका एक्सपोनेंशियल वाला बंदा है राइट और जब कभी भी आपका एक्सपोनशियर वाला बनता है, एक, एक, है तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे सेम वे से जैसा हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन किया था मतलब क्या न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनटर प्लस बी इंटू डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर देफो और वी कैन से दैट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर तो बच्चों आप कोई भी मेथड दोनों में से कोई भी स्टेप यूज कर सकते हो दोनों से आपका आंसर राइट right ही आने वाला है और उसके बाद अगर आपको याद होगा आंसर भी आपको निकालने आता ही है तो आंसर कैसे निकालेंगे आई इज इक्वल टू आपका अगर आपने फर्स्ट मेथड लिया है तो बोलो क्या होगा ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस अगर आपने सेकंड लिया है तो बोलो बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिड बाई एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू आने वाली है क्लियर सबको इतना परफेक्ट सो so, इसको हम लोग एक एक्साम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं तो आपको डाउट रहेगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा सो so, मूव करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर गाइस सो so, ये रहा हमारा एक्साम्पलट इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर टाइम वेर इज फोर ध्यान देना अगर आपको प्रीवियस वाला क्वेश्चन मतलब प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन नहीं समझा होगा अगर आपने ये देखा तो भी आपको समझ आ जाएगा क्योंकि दोनों का करने का जो मेथड है दोनों का सेम ही है सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू तो यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है बोलो आपका फोर इंटू इंटू इक्स माइनस ट्वेंटी चलो मैं लेता हूं डिनोमिनेटर कौन है बोलो टू इंटू इक्स माइनस फाइव फिर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब वेरी गुड e अब हम लोग क्या करते हैं लेते हैं डेरिवेटिव लेकिन याद रखना ए को अभी अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है डेरिवेटिव लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम लोग जब डेरिवेटिव लेते हैं उसको स्टेप नंबर देते हैं क्योंकि बाद में जब ए e की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वहां पे हम लोग सब्सटीट्यूट करना होता है तो प्रॉपर फॉर्मेट बना रहे हैं इसके लिए मैं ऐसा होता रहा हूँ आपको इंटू इक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ए हमने कॉपी किया मल्टीप्लाई टू इंटू इन फाइव प्लस बी हमने कॉपी किया टू इज कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल और माइनस फाइव जो है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो ठीक है परफेक्ट इसको बोल दो इक्वेशन नंबर वन सो देर फोर फोर टाइम्स ऑफ ई रेस्ट माइनस ट्वेंटीप्लाई के साथ में क्या होता है फिर टू बी इन टूट सो बच्चों जैसे आपने ब्रैकेट ओपन किया ब्रैकेट ओपन ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं ये जो तुम्हारा ई e रेस्ट टू एक्स वाला टर्म है और यहाँ पे जो ई टू एक्स वाला टर्म है उसको साथ में रख देते हैं बोलो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अलग कर दिया अब मैं इक्वेट करने वाला हूँ तो इक्वेटिंग करते समय बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को सो so, इक्वेटिंग ओके बच्चों जब आप इक्वेट करोगे तो पहले आप इरेस्ट e एक्स देखो और यहाँ पे इरेस्टू e एक्स देखो ठीक है दोनों जगह है अब देखेंगे तो इक्वेट करने पे जो इरेस्टू एक्स है ए प्लस टू बी और यहाँ पे बोलो क्या बच्चों फोर यहाँ पे लिख दो फटाफट चलो कि इक्वल टू फोर बराबर इसको तो आप simplify कर सकते हो बोलो टू टू सो दिस माईक्वेशन वन एंड उसके बाद जब और कंपेयर करेंगे तो बोलो माइनस फाइव ए और माइनस ट्वेंटी फाइव क्या है यहाँ पे सेम तो so उसको माइनस फाइव ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव सो so ए की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी फाइव फाइव ट्वेंटी मतलब फाइव मिल जाएगा मुझे अब इस अभी की वैल्यू को मैं सबूट करता हूँ तो हम लोग क्या बोलेंगे इन तो मुझे क्या मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू टू जहां पे ए पुट कर रहा हूँ फाइव प्लस बी इज इक्वल टू टू तो बोलो बी की वैल्यू मुझे इन शॉर्ट मुझे क्या मिलने वाली माइनस थ्री बच्चो ए और बी मुझे मिल गया ये yes. जैसे आपको बी मिला अब आप इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट कर दो तो आप क्या बोलोगे बोलो इक्वेशन वन बिकम्स ओके ओके थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे वन दिया इसको आप दे दो चाहिए तो ओके ज्यादा कंफ्यूज टू है और दिस इज माई थ्री ओके दिस इज टू यहाँ पे टू लिखो ठीक है कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा इक्वेशन में ऊपर नीचे हो जाता है बट समझ गये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यस तो बच्चों इक्वेशन वन बिकम्स जो इक्वेशन वन यहाँ पे बोलो इक्वेशन वन क्या होने वाला है मुझे यहाँ पे Uh, क्या बोलते हैं ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको यस yes. तो फोर टाइम्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी वैल्यू क्या है बी बी तो e की वैल्यू क्या है? निकाली है? हमने बच्चों माइनस थ्री ना तो बी के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे माइनस थ्री तो बी के प्लेस पर लिख देते हैं माइनस थ्री इन टू क्या लिखा e तो e है अब इसको इक्वेशन मतलब अपना जो एक्चुअल इंटीग्रेशन से पुट कर दो सो so क्या हो जाएगा बोलो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ चलो लिखता हूँ ठीक है अच्छा लगेगा यस yes. हाँ. तो इंटीग्रेशन ऑफ न्यू पे कौन है बोलो uh, ध्यान से देखोगे न्यू मिनटर यहाँ पे क्या दिया बोलो फोर ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव और उसी की वैल्यू मैंने यहां पे फाइंड की हुई है तो फटाफट पुट कर चलो तो so, बोलो क्या हो जाएगा फाइव टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ इ रेस टू एक्स माइनस फाइव प्लस माइनस थ्री बच्चे माइनस थ्री को टू के साथ मल्टीप्लाई मत करो आपको समझ जाएगा मैं बाद में क्यों ऐसा बोल रहा हूं ठीक है होल डिवाइडेड बाय हमारा जो डिनोमिनेटर पे टाइम्स ऑफ है डिनोमीटर बच्चा फाइव यहाँ स्प्लिट करते हैं तो डिनोमिनेटर को एक बार फर्स्ट टर्म के नीचे एक बार सेकंड टर्म के नीचे मतलब एक बार यहां और एक बार यहां पर जब फर्स्ट टर्म के नीचे लाएंगे तो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बच्चे ध्यान रहा टू इंटूरिस्ट एक्स माइनस फाइव जो मेरा फर्स्ट टर्म है दिखाई दे रहा है सबको ये वाला बंदा

यहाँ पे दिया है क्या दिया e, e हमेशा जीरो हो जाता है तो क्या मुझे मिला बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये वाला बंदा दिखाई दे रहा है आपको ऊपर yes. e मुझे मिल रहा है yes. तो देखा जाए तो नीचे अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मुझे मिल रहा है तो अगर ये ऐसा होता है मतलब किसकी तरह अपन एफ ऑफ एक्स और एफ डेक्स एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है मतलब टू इंटू इक्स माइनस फाइव प्लस सी ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर तो इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया होप्स हो कि आपको समझ में आ चुका हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ये जो टाइप है और क्वेश्चन है दोनों क्या है आपका प्रीवियस टाइप और क्वेश्चन की तरह ही है बस वहां पे क्या था बोलो ए साइन एक्स प्लस बी कॉसेक्स डिवाइड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉक्स यहाँ पे क्या है बच्चों आपका ए इंटू इरे प्लस बी डिड बाई सी इंटू इरे प्लस